सब्सक्राइब कीजिए संगीता की रसोई चैनल को और बेल आइकन कीजिए ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। हेलो एवरीवन, आज संगीता की रसोई में मैं आप लोगों के लिए दाल फ्राई लेके आई। दाल फ्राई के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये सारी तरीके की दाल लेनी है। इसमें मैंने कौन कौन सी दाल ली है, ये अरहर की दाल ली है 50 ग्राम, उड़द की दाल ली है 20 ग्राम, धुली हुई उड़द की दाल है ये, चना दाल है वो भी मैंने 50 ग्राम ली है, और ये मूंग दाल है धुली हुई और ये साथ में 50 ग्राम है ये भी, और ये हमारी उड़द दाल है और ये तुअर की दाल है। ये मैंने सारे तरीके की दाल ले ली। ज़रूरी नहीं आप सारे तरीके की दाल लो, आपके पास जो भी दाल हो वो आप मिक्स करके दो तीन दाल को और फिर घंटे भर के लिए आप बनाने से पहले भिगो दो। तो हम ये सारी दाल एक साथ मिक्स करके और पहले हम भिगो देते हैं। ये देखिए दाल मैंने धो के भिगो दी थी। अब ये दाल का पानी है, हमें बार बार में नहीं निकालना चाहिए क्योंकि हमारे जितने भी घुलनशील विटामिन होते हैं वो सारे बाहर निकल आते हैं। इसलिए अब ये पानी मैं जिस पानी में मैंने भिगोया है पहले ही धो के भिगोया है, अब इस पानी को नहीं निकालेंगे। अब ये दाल भिगो लिए मैंने और मैंने इसको कुकर में डाल दिया है इनकी पहले सिटी लगवाने के लिए। अब इसमें मैं एक गिलास पानी है वो डाल देती हूँ और साथ में हाफ टी स्पून है वो हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून है वो मैंने नमक डाला है और करीब आधा चम्मच इसमें और डालेंगे 1.5 चम्मच। अब हम गैस चालू करके और दाल की पहले सिटी लगा लेते हैं ताकि दाल हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए दाल हमारी पक के तैयार हो गई है। ये देखिए दाल पक के मैंने बाउल में निकाल ली है। अब सबसे पहले हमें कढ़ाई में घी डालना है, दाल को घी में फ्राई करना है, तेल में नहीं करना है। तो मैंने ये बड़े 2 टेबल स्पून है वो घी इसमें डाला है क्योंकि दाल में घी है वो अच्छे से होना चाहिए तभी दाल का टेस्ट है वो अच्छा बनता है। तो घी हमारा दाल फ्राई करने के लिए गर्म हो रहा है, उसके लिए इसमें नमक और हल्दी तो हमने पहले से डाल दी है। अब हमें ये देखिए एक प्याज मैंने काटा है, एक टमाटर बारीक बारीक चॉप किया है, एक हरी मिर्च चॉप की है और ये 4-5 लहसुन की कलियां है और ये हमारे तेज पत्ता है और ये गार्निशिंग एक मैंने लौंग ली है, ये हम इस घी के अंदर डाल देंगे और साथ में ये 1 टीस्पून नहीं लेंगे, थोड़ा सा कम ही लेंगे, आधा टीस्पून है वो मैंने इसमें जीरा फ्राई होने के लिए डाल दिया है और 4 से 5 है ये करी पत्ते दाल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है। ये सारे हमारे फ्राई हो जाते हैं, उसके बाद हमें प्याज डालना है, लहसुन डालना है और हरी मिर्च टमाटर एक एक करके हम फ्राई करेंगे तभी ये दाल फ्राई है हमारी अच्छी बनती है। ये आपको सबको पता है कि होटल में भी जाते हैं तो एक तो हमें दाल फ्राई लेनी होती है, तो इसलिए ये दाल फ्राई है सबको बड़ी अच्छी पसंद आने वाली है। ये देखिए प्याज मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है, अब लहसुन है वो मैं फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ। ये देखिए लहसुन है वो भी मैंने डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, अब हम ये हरी मिर्ची डाल देते हैं। ये सारे फ्राई हो जाते हैं, उसके बाद मैं इसमें टमाटर फ्राई होने के लिए डालूंगी। देखिए टमाटर है वो भी मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है। सारी हमारी ये सब्जियां है बारीक कटी हुई है और ये अच्छे से भुनने के बाद में हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, आधा टीस्पून हमने इसमें हींग डाला है, हींग थोक में डालते हैं, ऐसे अभी भी इसके अंदर भुना जाएगा
हाफ टी स्पून है वो लाल मिर्च का पाउडर है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये दाल है हमारी, ये इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, अब इसमें आधा टीस्पून है वो मैंने गरम मसाला डाला है, आधा टीस्पून है वो मैंने कसूरी मेथी डाली है, और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। और थोड़ी सी धनिया पत्ती है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको किस तरीके की दाल पसंद है, अगर ये आपको थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद में भी दाल के अंदर पानी है वो सूख जाता है, क्योंकि प्रोटीन है वो पानी को सोखता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी है वो और ऐड कर देते हैं। ये देखिए, दाल फ्राई है हमारी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये दाल फ्राई आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताना। देखिए, दाल फ्राई है, थोड़ी सी धनिया पत्ती की गार्निशिंग और कर देते हैं इसके ऊपर, और फिर हमारी दाल फ्राई है वो पूरी तरीके से तैयार है। होटल से भी ज़्यादा टेस्टी है हमारी ये दाल फ्राई होती है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ मेरी रेसिपी को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना। ओके, बाय। नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी।